नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप प्रोग्राम में कीबोर्ड बजाते टाइम जो सॉन्ग है उसके बीच का म्यूज़िक आप कैसे उसमें फिल कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा वीडियो दोस्तों, जैसा भी स्किप ना करें, क्योंकि हम शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताएंगे कब कौन सा म्यूज़िक प्ले करना है और कब आपको फिलर भरना है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो, और अच्छा लगे तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कीबोर्ड की स्क्रीन की ओर, और मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ कि जो भी प्रोग्राम आप जो भी कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस 10, एक्सप्रेस 30 या फिर कॉर्ग या फिर यामा, कोई सा भी आपका कीबोर्ड है जैसे आप प्ले कर रहे हैं, उस दौरान जो है आप जैसे प्रोग्राम में प्ले कर रहे हैं तो बैंक को आप सजा के रखें। फिर जो जो टोन्स उसमें आपके यूज होने वाले हैं उनको आप सामने रखें। जैसे कोई सा भी प्रोग्राम में आप प्ले कर रहे हैं, जैसे जागरण, भागवत कथा या फिर ऑर्केस्ट्रा में प्ले करने वाले हैं, तो आप पहले आपको बैंक बना लीजिए अच्छे से। जो जो टोन आप यूज करने वाले हैं उनको लाइन टू लाइन इसमें रखिए पहले। उसके बाद में वाइब्रोफोन का जैसे पहले होना चाहिए, वो कोडिंग के दौरान जैसे स्केल मैच करवाते हैं आप, जैसे कोई सिंगर आलाप लेते हैं उस दौरान में आपको यूज करने को मिलेगा, आप जो है यूज करेंगे उसको, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं आपको एकदम जो है सरल और सबसे फेमस कह लीजिए, सबसे वायरल और सबसे हर कीबोर्डिस्ट इसको सुना है और हर कोई इसको सुनना पसंद करते हैं, ऐसा आपको आज डेमो देने वाला हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि फिलर कब भरना है, कैसे डालना है। और जब याद नहीं है फिलर, तो फिलर और आपका जो बीच का जो म्यूज़िक है, गाने के बीच के जो म्यूज़िक है, उसको आप कैसे भरेंगे, चलिए मैं आज के इस वीडियो में कवर करता हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियोस और म्यूज़िक से रिलेटेड डेली इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज हम जो सॉन्ग लेने वाले हैं, दूल्हे का शहरा सॉन्ग के ऊपर में आज जो है डेमो आपको दिखाएंगे और प्रैक्टिकल आपको फिलर डाल के और म्यूजिक भर के आपको जो है सुनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, इसमें जैसे आप प्ले होता है, जैसे सिंगर जो है गाते हैं सॉन्ग, किस टाइप का इसमें बीट चलता है देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको डेमो आपको दिखाऊंगा कैसे किस टाइम पे आपको फिलर डालना है और उसके बाद में आप गाने का बीच का म्यूजिक कैसे बजेगा। जो आपको याद नहीं है वो भी आपको ऐड करके मैं जो है दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने लगा रखा है लूप लगा रखा है फ्रेंड्स, और चलिए आपको सुनाता हूँ मैं दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लूप चलिए प्ले करते हैं।
सुनाना चाह रहा था। मैं एक्चुअली मैं सॉन्ग नहीं गाता हूँ दोस्तों, पर आपके लिए जो है मैं सॉन्ग गा के प्ले करके, कब बजाना है क्या बजाना है ये तो जब सिंगर गाएगा तभी हमको पता चलेगा। फिर मैं नॉर्मली आपको बताऊंगा तो आप उसको समझ नहीं पाइएगा, वो मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा आपको सीखने में। तो ठीक है, ये जैसा भी था ठीक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बढ़ेंगे। इसमें देखिए, जैसे हमने गाया उस दौरान हमने फिलर प्ले किया, फिर उसके बाद में जो म्यूज़िक प्ले किया, जैसे हमने गाया ये सॉन्ग गाया हमने, जहां हमने खत्म हो रहा है देखिए यहां पे, देखिए 1 2 3, यही आपको फिलर को भी एंड करना है। फिर आगे यहां पे देखिए, जहां हमने गया था वहीं से रिटर्न, जहां रुक रहे हैं वहीं आपको फिलर को खत्म करना है। ये नहीं कि आपका जो है तो यहां रुक रहा है तो आप जो है यहां पर गलत हो जाएगा, आपको जो टचअप नहीं मिल पाएगा, वो जो फील आता है ना वो नहीं आ पाएगा फ्रेंड्स, अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो। इसीलिए मेरे को बताना बहुत ही जरूरी था आप सभी लोग को। और इसमें दोस्तों देखिए, इसके बाद में जैसे आप फिर गाना चलेगा उस दौरान आपको फिलर प्ले करना है, उसके पीछे पीछे भी आप जैसे हारमोनी प्ले कर सकते हैं स्लो में, इस टाइप का हारमोनी स्ट्रिंग में प्ले होते रहता है गाने के दौरान, तो वो भी कर सकते हैं। सब फिलर आपको याद रखें, जैसे ये सब म्यूजिक पीस आप याद रखिएगा दोस्तों। काम आएंगे देखिए, जो म्यूजिक का जो पार्ट है ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। और मेन जैसे म्यूजिक पार्ट जैसे प्ले होता है उसको आप जो है याद कर लीजिए, जैसे ये सब लाइन हमेशा प्ले होता है, ये सब म्यूजिक पार्ट हमेशा प्रोग्राम में प्ले होते ही है हिंदी सॉन्ग में एक्चुअली। तो ये सारे चीज जो है आपको फॉलो करना है फ्रेंड्स। और जैसे आपको ये म्यूजिक याद नहीं आ रहा है, अब इसके बीच में आप कोई दूसरा भी प्ले कर सकते हैं, जैसे ये या फिर आप अपने मन से प्ले कर सकते हैं। टाइम ऑन द स्पॉट आपको जो याद आ रहा है वो बजाइएगा। इस अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को नहीं आता इसका म्यूजिक, तो वहीं पे आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब चीज़ें, आपको कोई नहीं बताने वाला,
कोई शेयर नहीं करता है ये सब चीज़ें दोस्तों। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें वीडियो, और दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि उन वे भी कीबोर्ड सीख सकें अगर वे इच्छुक हैं तो, ठीक है। और रोलैंड पिस्टन के लूप्स टोन्स और आपको संगीत सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें की जानकारी ले सकते हैं और टोन लूप भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।